तो अभी मेरे पास है गीगाबाइट का एक 31 का मदरबोर्ड जिसका मॉडल है GA G31MS2L, और ये है एसील का वेंडर लिया हुआ बोर्ड है। देख सकते हो यहाँ पर मॉडल नंबर लिखा हुआ है, और इसमें एक प्रॉब्लम है जो कि कॉमन सा है, पर बहुत सारा लोग जो ऐसी टाइप के प्रॉब्लम के ऊपर भी टेलीग्राम करते हो, और मैं सच बोलूँ तो ठीक से आंसर भी नहीं कर पाता हूँ क्योंकि बहुत टेक्स्ट पड़ा होता है टेलीग्राम पे, और सबको मतलब क्वेश्चन आंसर करना, आंसर देना थोड़ा सा, मतलब सबको आंसर देना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो फिर भी मैं कोशिश करता हूँ लगातार, हर बार की तरह सबका ही रिप्लाई देता हूँ, पर कुछ कुछ छूट जाता है। तो देखो इस टाइप के बोर्ड के ऊपर फिर से एक वीडियो दे रहा हूँ, पहले मैंने दे के रखा है कि मुझे खुद ही पता नहीं, पर प्रॉब्लम को पहले देख लो। ये हमने बोर्ड में पावर दिया और एक डिबग कार्ड लगाते हैं, इसी डिबग कार्ड से अच्छे से समझा पाऊँगा इसलिए ये लगा रहा हूँ, बाकी तो ये वाला डिबग कार्ड भी इस पर काम करता है। तो अभी ये है हमारा पावर बटन, पावर दिया। अभी देखो ये रैम लगाने के बाद C1 करके बीप आया, उसके बाद 27 आके अटक गया। या और यहाँ पर जो LED का लाइन लगा हुआ है, बहुत सारा LED जल रहा है। ठीक है, मतलब असल में प्रॉब्लम क्या है डिबग कार्ड से पता नहीं चलता, चलेगा भी तो जाहिर सी बात है अभी रैम का ही प्रॉब्लम लग रहा है। रैम का अगर प्रॉब्लम होता तो बीप भी कंटिन्यूअसली आता। चलो रैम को हमने रिमूव कर दिया, फिर से पावर दिया, फिर से पावर बटन ऑन। अभी देखो रैम को हमने हटा दिया C1 पे, ये दो बार बीप किया, उसके बाद C1 पे ही ये मतलब अटक चुका है। ठीक है, फिर से लगा दिया। चलो दोनों रैम में से किसी एक रैम में प्रॉब्लम हो सकता है, तो एक सिंगल रैम डालते हैं और फिर से हमने पावर दिया, फिर से C1 देन 27, C1 27। अभी ऐसे प्रॉब्लम में क्या है, कुछ लोग ऐसे प्रॉब्लम में फंस जाते हो और मतलब कुछ ना कुछ गलत डिसीजन हो जाता है बोर्ड रिपेयरिंग करने में। तो देखो ऐसे केस में CPU रिलेटेड भी प्रॉब्लम होता है, हर बार ये नहीं कि रैम ही ख़राब है या फिर रैम स्लॉट ख़राब है। तो ये हमने जो CPU है इसका, ये हटाता हूँ क्योंकि ये बोर्ड में आया था ये CPU। अभी मेरा एक कहीं भी एक CPU ले लेता हूँ, तो ये एक CPU, ये ओके CPU है, ये हम लगा दिया। फिर से पावर देंगे, टर्न ऑन करेंगे C1 0027। अब ना तो कोई बीप आ रहा है ना तो डिस्प्ले आ रहा है। अब देखो ये जो प्रोसेसर था इसमें, ये भी सेम कोड है, ये भी सेम कोड है, मतलब CPU का हमारा प्रॉब्लम नहीं है। कहाँ गया ये, तो CPU भी हमने चेंज करके देखा तो CPU का क्या है इशू नहीं है। तो इस टाइप के केस में दो प्रॉब्लम से ये मतलब दो वजह से ये प्रॉब्लम आपको फेसिंग हो सकता है, दोनों वजह मैं बता देता हूँ। फिर से एक बार देख लेते हैं C1 0027। तो अभी इस टाइप के केस में या तो आपका बायोस रिलेटेड हो सकता है, और दूसरा ये जो है ICH रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, पहला आपको बायोस पे ही ट्राई करना है, अगर बायोस से काम बन जाता है तो ठीक है, नहीं बन जाता है तो आपको समझना है कि हमारा बोर्ड का जो ICH मतलब साउथ ब्रिज है, ये मतलब कुछ प्रॉब्लम हुआ है इसके अंदर जिसके वजह से ऐसा कोड आ रहा है। तो इसका सलूशन क्या है, तो देखो ऐसी टाइप की कोड आके रुक जाना, फिर रैम को हटा रहा हो तो बार बार बीप कर रहा है, या फिर एक बार या फिर दो बार बीप करके स्टॉप हो रहा है, और अदरवाइज आप रैम लगा रहे हो तो एक बार रैम का ही रो रहा है, उसके बाद जाके आपका बोर्ड में डिस्प्ले नहीं आ रहा। अब कुछ लोगों का कहना है इसी सिचुएशन में क्या बोर्ड में डिस्प्ले है, तो देखो ये है कीबोर्ड जो मैं अभी लगाता हूँ, डिस्प्ले नहीं आएगा
क्योंकि अगर इस बोर्ड में डिस्प्ले आना होता तो एक बीप जनरेट होता, तो वो भी मैं दिखाता हूँ। डिस्प्ले वाला बीप जो आता है, सिंगल बीप वो आता। तो ये देखो, कीबोर्ड हमने लगा दिया 27, और यहाँ पर देख सकते हो कोई भी रिस्पांस नहीं है। मतलब ना तो वीजीए से आउट हो रहा है वीजीए, ना तो इसका कीबोर्ड का एलईडी जल रहा है। तो फर्स्ट स्टेप बायस है, बायस को रिप्रोग्राम करो एक बार। अगर सॉल्व नहीं होता है, सेम रहता है, मतलब आपका बोर्ड में अगर सेम ही प्रॉब्लम आता है बायस रिप्रोग्राम करने के बाद, तो आप समझ जाओ बायस आपने जेन्युइन ही डाला है, इसमें कोई इशू नहीं है। आपका प्रॉब्लम जो है आईसीआई से ही आ रहा है, ठीक है। तो इस बोर्ड में क्या है हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। मुझे भी नहीं पता कि बायस से हो रहा है या फिर आईसीआई से, क्योंकि इस टाइप के केस ये दोनों वजह से ही आएगा आपका बोर्ड में, या तो आईसीएच या तो बायोस। तो फर्स्ट स्टेप हम बायोस को एक बार कर लेंगे, उसके बाद ये बनेगा तो भी वीडियो में डालूंगा, अगर नहीं बनेगा तो आईसीएच को एक बार रिफ्लो करूंगा। अगर फिर भी बोर्ड ना बने तो भी वीडियो डालूंगा, क्योंकि समझना है इस टाइप के केस में क्या होता है और क्या करना है। ज़्यादातर टाइम वेस्ट हो जाता है इसके पीछे। तो सिंपल सी बात है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगा वीडियो को। तो फटाफट मैं ये जो चिप है इसको मैं रिमूव कर लूँगा। एसएमकेस को मैंने टर्न ऑफ कर दिया है। अब ये जो हमारा बायस चिप यहाँ पर लगा होता है इस बोर्ड में, यहाँ पर, ठीक है, ये देख देख पा रहे हो बायस चिप, इसको मैं हटा लेता हूँ पहले। चलो ये हो गया हमारा बायस चिप। अब मैं इस चिप को रहने देता हूँ, मैं किसी एक अनदर चिप पे इसको रिप्रोग्राम करूँगा। तो एक चिप ले लेता हूँ मैं। ये आपको इतना जानकारी होना चाहिए कि इस बोर्ड में कितना साइज का चिप है। तो ये 31 का बोर्ड है, इसको डेफिनेटली 512 KB का चिप होगा, मतलब हाफ MB का चिप है इसमें, ठीक है। अगर ये 41 सीरीज का होता तो 1 MB का होता, ठीक है। इतना नॉलेज आपको होना चाहिए। बोर्ड के मॉडल के हिसाब से बायोस को, मतलब बायोस का मेमोरी सेट होता है, ठीक है, कि कितना MB कितना KB का बायोस बोर्ड में जाता है। ये आपको बोर्ड का मॉडल नंबर देख के जिस दिन पता चलेगा कि हाँ भाई ठीक है इतना ही बायोस इसमें रहता है, तो उस दिन आप समझ जाओ कि आप थोड़ा बहुत नहीं बहुत एक्सपर्ट हो चुके हो, ठीक है। तो इसमें मैं दिखाता हूँ, इसमें लगभग 512 KB का, मतलब 512 KB का चिप होता है, मतलब हाफ MB का चिप ही आएगा, क्योंकि ये 31 चिपसेट का मदरबोर्ड है। पर कुछ कुछ 31 चिपसेट का मदरबोर्ड में 1 MB का भी आता है, पर कौन सा बोर्ड में आता है ये भी आपको जानना है, ठीक है। तो ये बहुत दिन इस फील्ड में अगर रहोगे तो ही पता चलेगा, मतलब 2-4 महीना या फिर 1 साल 2 साल रहने से ये आपको नॉलेज, ज़्यादातर एक्सपीरियंस आपको नहीं आएगा, नॉलेज गदर नहीं होगा। तो देखो ये मैंने एक चिप लिया है जो कि 512 KB का चिप है। तो इसको मैं रिप्रोग्राम करता हूँ एक बार, मैं ये रिप्रोग्राम कर लेता हूँ। ये बहुत ही कम टाइम लगेगा, क्योंकि 1 मिनट में हो जाएगा, 1 सेकेंड इसका। अभी जो मैं इसको बायस डालूंगा, तो मेरे पास बायस डाउनलोड किया हुआ है ऑलरेडी रहता है। तो इसको रीड पहले इस बार एडिट कर लेते हैं, उसके बाद रीड सक्सेसफुल। तो अभी मैंने एक 512 KB का चिप लिया है और इसको रिप्रोग्राम लगा दिया राइट पे। चलो हो गया, तो मैं इसको ऑफिशियल बायस फर्स्ट रिलीज वाला बायस डाला, तो चलो हो गया सक्सेसफुल, ये हो गया। ये मैंने जो चिप लिया है ये 512 KB का चिप है, और ये भी 512 KB का ही चिप होना चाहिए। तो देखो मैं चेक नहीं करूँगा ये चिप में कितना था, पर मैं इस बोर्ड के ऊपर लगातार काम किया बहुत सारा, मुझे पता है क्योंकि इसमें इतना ही चिप होता है। तो अभी मैं इसको शोल्डरिंग स्टेशन से ही इसको फिक्स कर देता हूँ, इसमें SMD रिवर्क स्टेशन में यूज़ नहीं करूँगा।
बस हो गया। चलो इतना सा ही काम था, अभी देखते हैं इस बोर्ड में क्या असल में बायोस से ही प्रॉब्लम हो रहा था या फिर आईसीएस से हो रहा था। तो अगर बायोस से हो रहा था तो अभी सॉल्व हो जाएगा, और अगर आईसीएस से हो रहा था तो इसका भी जुगाड़ है, इसको रिफ्लो करने से ये प्रॉब्लम आपका फिक्स हो जाएगा, पर कुछ हद तक, लॉन्ग टाइम नहीं रहेगा, कुछ 1-2 महीना 3 महीना तक चल सकता है मे बी। आपका हाथ के ऊपर डिपेंड करता है, आपका हाथ जितना मतलब एक्सपीरियंस है आपको हीट करने में, रिफ्लो करने में, उसके ऊपर डिपेंड करता है ये, ठीक है। तो देखते हैं बायोस से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं, अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो हम ब्रिज पे जाएंगे, ठीक है। तो मे भी बायोस से हो जाएगा, क्योंकि ऐसे टाइप के प्रॉब्लम बायोस से भी आता है। तो चलो ठीक से एक बार कॉल देते हैं। तो रैम मैंने चेंज नहीं किया, वही लगा हुआ है। हाँ तो देखो इस बोर्ड में जो प्रॉब्लम था बायोस से ही था। तो देखो बायोस से इसका डिस्प्ले आ चुका है, और डिस्प्ले का बीप भी आउट हुआ है, और कीबोर्ड पे हाँ आ चुका है लाइन। तो सिंपल सा केस स्टडी था, सिंपल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश किया। ये देखो लाइट आ गया, कीबोर्ड यहाँ पर डाला हुआ था ऑलरेडी। तो फिर से एक बार ये स्टार्ट करते हैं, ये कर दिया रीस्टार्ट। ये देखो कीबोर्ड का पावर चला गया, रीस्टार्ट भी हो गया, कोड जनरेट हो रहा है। तो ये बार बार क्यों हो रहा, तो रैम सेक्शन में कुछ दिक्कत है, एक सेकेंड। तो डिस्प्ले आ गया, इसका जो मेनली प्रॉब्लम था बायोस से ही था डेफिनेटली। और रैम जो था वही लगा के रखा मैंने, रैम भी चेंज नहीं किया। तो आपको बस समझना है कि ये प्रॉब्लम किस हद तक है और क्या सलूशन है और कहाँ पर काम करना चाहिए, ठीक है। ये देखो यहाँ पर भी बीप आया, डिस्प्ले आ गया। ये देखो ये दबाऊंगा तो आ जाएगा, ये देखो आ गया 7F। तो ये छोटा सा एक केस स्टडी था, पर छोटा सा एक नॉलेज था जो शेयर किया, और ये बिगिनर्स लोगों के लिए था वीडियो, क्योंकि एक्सपर्ट लोगों को ऐसे पता होता है, क्योंकि वो कुछ ना करे पहले एक बार बायोस तो कर ही लेगा, और बिगिनर जो होते हैं वो क्या करेगा, सोचते सोचते 2 दिन लगा देता है, उसके बाद जाके कुछ ना कुछ डायरेक्टली हिट कर देते हो। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है, अगर कभी भी इस टाइप का बोर्ड इसी प्रॉब्लम के साथ आए तो आप एक बार ऑफिशियल बायोस डालो, उसके बाद भी अगर सेम प्रॉब्लम आपके सामने फेसिंग होता है तो ये जो आईसीएच है इसको एक बार अच्छे से पेस्ट डाल के रिफ्लो कर लो, अच्छे से क्लीन करो, थोड़ा सा ड्राई हीट करो, फिर पावर दो, बोर्ड को टिगर करो, बोर्ड में डिस्प्ले आ जाएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट केस स्टडी पे, तब तक के लिए लव यू ऑल, जय हिंद।